आज के समय के हिसाब से मोदी जी को चुनौती देने वाला अपने देश में कोई एक आदमी नेता नहीं है। झारखंड गवर्नमेंट टोटली फेल्ड है, कुछ नहीं है। खुटी लोकसभा में कांग्रेस के पक्ष में है लोग। जैसे मैंने बोला ना, सपना में भी राहुल गांधी को तो वोट नहीं दे सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका 24 का 64 में। मैं हूँ आसिया। तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में आखिर किस तरह की चुनावी बिसात बिछ रही है, इसके बारे में आपको जानकारी हम देंगे। फिलहाल हम रुक कर रहे हैं खूंटी का। खूंटी लोकसभा क्षेत्र जो 4 जिलों के 6 विधानसभाओं को समाहित करता है, ये खूंटी क्यों महत्वपूर्ण है? खूंटी का इतिहास अगर आप देखें तो खूंटी से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई, उस आंदोलन ने पूरे विश्व पर खूंटी का नाम अंकित कर दिया, और वो आंदोलन था बिरसा मुंडा का आंदोलन। धरती आबा को सभी नमन करते हैं और उनके नाम पर ही आदिवासी गौरव दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। अब तो इस लोकसभा सीट में किसका दबदबा रहा है, किसका वर्चस्व रहा है, क्यों खूंटी इतना महत्वपूर्ण है, इसकी सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है किसी भी पार्टी के लिए जीतना, समझने और जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी उदय भी मौजूद है। उदय, लगातार अब लोकसभा चुनाव के लिए हम तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, ये खूंटी का इतिहास क्या रहा है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है इसकी सीट? बिल्कुल, खूंटी की अगर बात की जाए तो खूंटी का नाम ही अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है। बताया जाता है कि छोटा नागपुर के जो राजा थे मदरा मुंडा, उनके बेटे जो थे सतिया, वो उन्होंने खुटकट्टी गांव की स्थापना की थी और उसी के नाम पे खूंटी नाम पड़ा। और खूंटी को इसलिए भी जाना जाता है कि जयपाल सिंह जो झारखंड के गौरव के तौर पर गिने जाते हैं, तो वो सबसे पहले जब 1952 में चुनाव हुए तो वो यहाँ से चुनाव लड़े थे, जीते थे। लगातार 3 बार उन्होंने खूंटी लोकसभा का देश के लिए प्रतिनिधित्व किया था, देश में किया था। और उसी वक्त से खूंटी लोकसभा पूरे भारत में एक अलग पहचान रखता है। और उसके बाद तो करिया मुंडा जब सियासत में आए तो लगातार 8 बार लोकसभा से उन्होंने वहाँ खूंटी का प्रतिनिधित्व किया, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और माना जाता है कि जिस तरह से करिया मुंडा ने 8 बार प्रतिनिधित्व किया, तो उसके बाद ये बीजेपी की एक बहुत ही मजबूत गढ़ के अभेद किले के तौर पर जानी जाती है। और यही नतीजा रहा कि 2019 में अर्जुन मुंडा जब चुनाव लड़ने वहाँ पहुँचे, हालांकि करिया मुंडा नहीं थे, इसका असर दिखाई दिया, बहुत कम अंतर से अर्जुन मुंडा की जीत हुई थी। और अब हम आकलन करने को निकले हैं तो देखते हैं वहाँ के लोगों की क्या राय है, लोग क्या कहते हैं, क्योंकि खूंटी काफ़ी अहम माना जा रहा है। राजधानी रांची से सटा हुआ है और आदिवासी बहुल इलाका है, और ख़ासकर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, तो उस हिसाब से तो ये गांव, ये पूरा इलाका ऐतिहासिक है। और खूंटी आज जिला बन चुका है, देखने वाली बात ये होगी। चलिए अभी देखते हैं, आकलन करते हैं कि 24 के 64 में किसके पक्ष में लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे खूंटी में विकास तो नहीं हुए हैं। जिला बनने से ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो डेवलपमेंट एक साइड से होता नहीं ना, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, सपना में भी राहुल गांधी को तो वोट नहीं दे सकते। बालू का काम करते थे लेकिन हम लोग का रोजगार छीन दिया JMM ने। झारखंड गवर्नमेंट टोटली फेल्ड है, कुछ नहीं है। इतना बेरोजगार बढ़ी है कि खुद मेरे गांव से 40 से 50 लड़का महाराष्ट्र काम के लिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। 24 के 64 में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम खूंटी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। खूंटी समरणालय के सामने बैठे हुए हैं, एक छोटा सा होटल है और चाय की चुस्की हम भी ले रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आप ये बताइए कि आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं। खूंटी एक लंबा सफर तय किया और कुछ दिनों में मांग हो रही थी जिले की, जिला बन गया, तो आप लोग कितना संतुष्ट हैं, कितना विकास होना चाहिए था यहाँ? हाँ, हमारे खूंटी में विकास तो नहीं हुए हैं, जो चीज़ विकास होने वाला था वो नहीं हुए हैं। यहाँ हमारे बाईपास बहुत ज़रूरी है खूंटी में, ये बाईपास आज तक नहीं बने हैं। आप क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। राजेश जी क्या कहेंगे आप? बस मेरा घर बिरहू हुआ, बिरहू 3 किलोमीटर खूंटी से दूर है, लेकिन रोड का इतना ख़राब स्थिति है कि पैदल चलना मुश्किल है, उस टाइप का है बरसात में।
आपके जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो क्या यहाँ आते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं? जब होता है इलेक्शन पहुँचता है तो आते हैं, उससे पहले फोन करने से भी कोई जवाब नहीं मिलता है। आप जो बता रहे थे, क्या नुकसान हुआ आखिर जिला बनने से? जिला बनने से ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो काम चंद मिनटों में एक दो दिन में हो जाता था उसको भी बहुत घिसना, घूस वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया। अभी जैसे आप पूछ रहे थे सांसद प्रतिनिधि या विधायक आते हैं नहीं आते, क्लियर कट शब्द में एक ही बात है, सेंट्रल लीडरशिप के नाम से यहाँ पे विधायक जीतता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। लोकसभा के अगर इस पे देखिएगा आप स्कोप में तो बहुत सारा काम किया है, लेकिन अगर विधानसभा में देखेंगे तो हमारे विधायक, ठीक है हम लोग वोट उन्हीं को देते हैं, बट वी डोंट हैव ए चॉइस, अल्टीमेटली उसी को देना है, जस्ट बिकॉज कि भाई मोदी को स्ट्रॉन्ग करना है। मोदी को स्ट्रॉन्ग करना है, इसमें कोई मतलब पोलराइजिंग फैक्टर और ये सब नहीं है, काम कर रहा है देना है, नहीं करेगा नहीं देंगे, राहुल गांधी को तो नहीं देंगे, सपना में भी नहीं देंगे। तो खूंटी एज अ डिस्ट्रिक्ट अगर देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जीरो है, ऑलमोस्ट 20-23 साल हो गया है जिला बने हुए, उसके हिसाब से कोई भी डेवलपमेंट नहीं। आप रोड देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, स्कूल्स देख लीजिए, और बाकी अगर इंडस्ट्री सेटअप वगैरह या एजुकेशनल सिस्टम का देख रहा है तो कुछ नहीं है। टेक्निकली फायदा के जो आप लोगों के जो सांसद हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी केंद्र में भी मंत्री हैं, क्या वो यहाँ लोगों से कितना कनेक्ट हैं? देखिए कनेक्शंस का अगर लोगों का कनेक्ट, तो आप यूजुअली देखिएगा दोनों बराबर, विधायक हो या सांसद हो, दोनों बराबर टाउन में तो एटलीस्ट सबसे मिलते जुलते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जीरो ही काम किया है, काम डेफिनेटली किया है, बट ओवरऑल अगर देखिएगा इन टर्म्स ऑफ जो डेवलपमेंट को बूस्ट करता है उसके हिसाब से कुछ नहीं है। आप एम्बुलेंस लेने जाओ कुछ नहीं, आप पुलिस स्टेशन जाओ पब्लिक को जितना परेशानी होता है कुछ नहीं। अभी हम लोग पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं एक रजिस्ट्री कराने के लिए, सर्वर डाउन है, मेरे पिताजी करीब 80 ईयर्स के हैं, वो बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ आए हुए, कुछ है नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो डेवलपमेंट एक साइड से होता नहीं ना, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है, क्या चाहिए उसके अलावा? अगर आप मेन रोड में घूमे होंगे या यू नो बिजी दिन में जब आइएगा बाजार वाले दिन, खुटी जैसे जगह में अगर आपको ऊपर चौक से नीचे चौक करने में आधा घंटा लग जाए तो वेस्ट है। तो टेक्निकली कुछ किया नहीं है, हाँ, लेकिन हम लोगों को भी मजबूरी है, मजबूरी क्या है अगर ऊपर विकल्प नहीं है और हो रहा है और विकल्प नहीं है, तो जैसे मैंने बोला ना सपना में भी राहुल गांधी को तो वोट नहीं दे सकते, तो वो है उसके लिए है जो है, हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि भाई राम मंदिर बना, 370 बना, एम्स उतने खुले, IITs उतने खुले, भारत क्या जो आत्मनिर्भर भारत के लिए कितना सारा, अभी जैसे डिफेंस के बारे में आप देख रहे होंगे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिया गया है, या साइंटिस्ट लोग के लिए बहुत ज़्यादा उन पर फोकस किया गया है, काम करने को फ्रीडम है, वो सब चीज़ है। हाँ लेकिन ये सब बोलिएगा कि बिजनेस को ईज करने का जो पॉलिसी है वो बेकार बात है, कभी नहीं है। पहले 4 चीज़ होता था करने का, आज 50 चीज़ें करने के लिए, तब जाके आप एक कंपनी खोल सकते हैं, तब आप एक चीज़ रन कर सकते हैं। चलिए आपका आपका शुभ नाम क्या हुआ, क्या करते हैं आप? हम ट्रैक्टर ओनर हैं और बालू का काम करते थे, लेकिन हम लोग का रोजगार छीन दिया JMM ने। अच्छा, क्यों रोजगार क्यों छीन गया भाई आप लोगों का? बालू गाड़ी नहीं चल रहा है, हम लोग का चलान इशू नहीं हो रहा है, ट्रैक्टर घर में खड़ा कर दिए हैं। आप देखिएगा 6 महीना से हम लोग का ट्रैक्टर घर पे खड़ा है, घर से बाहर निकल रहा है तो पुलिस, कितना क्राइम है कि पुलिस दिन भर में 4 बार जाती है, 4 बार जाने के बाद भी वो केवल पत्थर और बालू गाड़ी देखती है, क्राइम क्या बंद कर रहा है वो, कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप लोग इसको लेकर आवाज़ उठाते हैं, क्या क्या लगता है कि सिस्टम की वजह से ऐसा हो रहा है? हाँ ऊपर तक जा रहा है तब तो उतना छूट मिला हुआ है, केवल बालू गाड़ी ही पकड़ना है, पत्थर गाड़ी ही पकड़ना है, या तो फिर टेंडर कर दो, चलान दो, बस हम लोग का वही कहना है, चलान दे दो। हम लोग आपका बालू के चलते कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है, 2 लाख का इंद्रावास दे रहा है उसमें 4 लाख खर्चा हो जा रहा है पब्लिक का, वो बालू ही 3,000 3,500 में, आप खूंटी टाउन में बोलिए 3,500 में बालू गिर रहा है, बिना पैसा का तो गिर नहीं रहा है, 1,000 थाना में जा रहा होगा या प्रशासन को जा रहा है, 3,000 में बिक रहा है। पहले और अब में कितना अंतर लग रहा है आप लोगों को? अभी जब से JMM बनी है बालू बालू तो लूट मच गई है। स्टेट विधानसभा में तो गवर्नमेंट, ये झारखंड गवर्नमेंट टोटली फेल्ड है, कुछ नहीं है। मैं लाइक इससे तो पहले अच्छा इतना बेरोजगार बढ़ी है कि खुद मेरे गांव से 40 से 50 लड़का महाराष्ट्र काम के लिए गए हैं, जो मेरा ड्राइवर था, मेरा लेबर था, वो सब चले गए, यहाँ क्या रोजगार है, कुछ नहीं है।
तो ये खूंटी की हकीकत है। इनका कहना है कि काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो बताया कि करीब 40 लोग रोजगार के लिए बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ जो लोकल स्तर पर काम होता था, बालू की ढुलाई होती थी या रोजगार लोगों को मिलता था, वो बंद हो गया है। कहीं ना कहीं अवैध खनन और जिस तरह से इनका कहना है कि वसूली हो रही है स्थानीय प्रशासन के जरिए, और उसे देखकर लोग पलायन कर रहे हैं। तो हम अभी खूंटी की नब्ज और टटोलेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, कुछ और भी लोगों से बातें करेंगे, लौटते हैं फिर। अपने यहाँ दुर्भाग्य तो वही है ना कि अपने यहाँ जितनी पार्टियाँ हैं दुनिया में किसी देश में नहीं है। हर आदमी देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एक ही बनेगा ना। पहले भारत को लोग हाथ जोड़ते नहीं थे, कोई बात नहीं करता था, आज भारत को लोग दुनिया के लोग गले मिला रहे। तो आज के समय के हिसाब से मोदी जी को चुनौती देने वाला अपने देश में कोई एक आदमी नेता नहीं है। 15 नवंबर को मोदी जी ने घोषणा किया कि ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए, आज तक तो किसी, इतना साल हो गया, किसी दल ने नहीं किया। नमस्कार, मैं उदय शंकर, 24 के चौसर में आप सबों का स्वागत है। हम मौजूद हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र में और खूंटी लोकसभा क्षेत्र में राजनीति का पर्याय बन चुके कड़िया मुंडा जी हमारे पास हैं। लगभग 5 दशकों तक इन्होंने खूंटी का प्रतिनिधित्व किया, 2 बार विधायक के तौर पर, उसके बाद लगातार 8 बार लोकसभा के लिए ये चुने गए। इन्होंने खूंटी को एक खूंटी के नाम के साथ कड़िया मुंडा जी का नाम नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। तो वही कड़िया मुंडा जी हमारे साथ हैं। कड़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बाइस्कोप में। अपने राजनीतिक सफर को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक सफर शुरू हम लोग किया, एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि हम लोग कुछ युवक लोग थे, हम लोग सोचे कि भाई अब पढ़ने लिखने के बाद हम लोग चले आए समाज क्षेत्र में, तो विचार आया कि भाई हम लोग को इस समय राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि तब तक जयपाल सिंह मर गए थे, तो जयपाल सिंह के जब तक थे तब तक तो किसी को इस सीट से लड़ने की हिम्मत किसी को होती नहीं थी, तो हम लोग करना चाहिए। तो यही हम लोग विचार करते करते तय हुआ कि लड़ा जाए। कड़िया जी, ये जानना चाहेंगे कि तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या फर्क देख रहे हैं आप? देखिए, उस समय राजनीति सिद्धांत की होती थी और एक लक्ष्य था कि हम लोग जीतेंगे, सरकार बनाएंगे तो देश की सेवा करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे। आज उस तरह का वातावरण नहीं है, आज किसी तरह से सत्ता हथियाना जैसे भी हो और साधारणता ही देखा जाता है, अपने यहाँ तो कम नहीं है लेकिन बाकी जगह ज़्यादा है, अपने यहाँ भी थोड़ा बहुत होता होगा, हमको पता नहीं है कि सबसे पहले अपनी व्यवस्था कर लो ताकि भविष्य हमारा ठीक रहे, ये लक्ष्य हो गया। और इसीलिए आज इतना जो सारे देश में और झारखंड में भी जो करप्शन इतना बढ़ गया है, इसका एकमात्र कारण स्वार्थी या अपने आप को अधिक दूसरों से अलग बनाने का, दिखाने का जो होड़ लगा हुआ है, यही सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए आज सिद्धांत तो कम हो गया है, परंतु एक क्या कहेंगे इसको, हम लोग कुछ शब्द नहीं है उसको व्यक्त करने का, कि सत्ता के बदले और ये सेवा के बदले सत्ता की लोग अधिक और झुके हुए हैं। खूंटी एक छोटे से कस्बे से, गांव नुमा इलाके से आज एक जिला बन गया, तो उसमें आपकी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद आपके मन में कुछ होगा जो लगता होगा कि हम नहीं कर पाए, वो होना चाहिए था? देखिए, जिंदगी में तो बहुत कुछ सोचा जाता है जी, मन में कुछ बहुत चीजें रखी जाती हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ये सब चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। ऐसे विचार था कि ये अलग प्रांत बनेगा तो यहाँ शासन व्यवस्था पहले जैसा था उससे भिन्न होगा और यहाँ के आदिवासी और मुगलवासी लोगों को उचित
लाभ मिलेगा, लेकिन उस तरह का लगा नहीं। अब देख ही रहे हैं पानी गांव में आज भी लोग तालाब और डाड़े और नदी से पानी लाते हैं, कोई उपाय होना चाहिए। 75 साल में हुआ नहीं, ये तो आश्चर्य की बात है ना, और दुर्भाग्य तो यही है। अच्छा, दोषी तो भारत सरकार को भी देते हैं, परंतु भारत सरकार का जब हम लोग रहने के बाद पता लगा है कि राज्य सरकारें जो योजना बनाती हैं उसका वो अधिक हिस्सा भारत सरकार ग्रांट के रूप में देती है। अब ये उस पैसे का जिन जिन मुद्दों के लिए आपने योजना बना के लाया है उसमें ठीक से उपयोग हो रहा है या नहीं, या इसका लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। कड़िया जी, एक सवाल अभी, चूंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं कुछ महीनों बाद, तो आप किस तरह से देख रहे हैं राजनीतिक हवा को? देखिए, देश में राजनीतिक हवा तो ऐसे ही चलते रहते, जहाँ विरोधी हैं तो पक्ष और विपक्ष तो होते ही रहता है, और अपने यहाँ दुर्भाग्य तो वही है ना कि अपने यहाँ जितनी पार्टियाँ हैं दुनिया में किसी देश में नहीं है। यहाँ तो हर व्यक्ति में पार्टी है, पति पत्नी अलग हो गए तो वो पार्टी बना लिया, विचित्र स्थिति है। सिद्धांत क्या कोई पता नहीं। अब ऐसी स्थिति में ये जो इतनी पार्टियाँ बन गई हैं ये भी एक दुर्भाग्य है। दूसरा ये है कि हर आदमी देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एक ही बनेगा ना, तो ये भी विचारों में बहुत भिन्न हो गया है, विचार भिन्नता बहुत है। ये एक कारण है ये कि मैंने पहले कहा कि सिद्धांत की राजनीति खत्म हो गई है, ये राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति है। पहले भारत को लोग हाथ जोड़ते नहीं थे, कोई बात नहीं करता था, आज भारत को लोग दुनिया के लोग गले मिला रहे हैं। ये नया इंडिया, हम लोग तो इंडिया को एक ही जानते थे कि भारत को इंडिया कहते हैं, लेकिन एक नया इंडिया भी हो गया है। अब ये लोग लगा हुआ है, और लगा हुआ है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा कोई पता नहीं है। आज भी आपस में झगड़ा है और लोग वो बोलना भी शुरू कर दिया है। हम मतभेद जरूर है परंतु हम लोग लोकसभा मिल के लड़ेंगे, यानी इसका मतलब यही है कि लोकसभा में लड़ेंगे और जो प्रधानमंत्री है उसको हराना है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। मान लीजिए कि आप जीत गए तो कल कौन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी बनेगा, क्या वो चला लेगा? अब उसको पता ही नहीं है दुनिया में क्या बोलता है क्या करता है। उसी तरह से नीतीश है, वो करेगा नहीं करेगा, बिहार को ख़त्म कर दिया ममता, बंगाल में रोज खून खराबी चल रहा है, तो क्या होगा? शरद पवार सोचता है कि हम बने आ रहे तो बूढ़े हो गए इतना कि अब मुँह नहीं खुलता ठीक से, कैंसर हो गया है। तो आदमी ही नहीं है जो देश को, अब केजरीवाल एक तरह से हम लोग तो उसको टीचर बोलते हैं, उनकी उनकी बोली, उनके भाषण, उनका तौर तरीका मिलने जुलने का बड़ा विचित्र है। तो ऐसी स्थिति में अंतोगत्वा आपको किसी एक को चुनना होगा। तो आज के समय के हिसाब से मोदी जी को चुनौती देने वाला अपने देश में कोई एक आदमी नेता नहीं है। कड़िया जी, ये झारखंड और लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो झारखंड और खूंटी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव तो इसमें तीन तरह का काम होता है, एक तो उम्मीदवार के क्रियाकलाप पर, दूसरा है कि उस क्षेत्र में पार्टी के संगठन कितना मजबूत है, और तीसरा है कि आपके नेता का चरित्र कैसा है, नेता माने प्रधानमंत्री। तो आज तीनों हमारा लगभग ठीक है, लेकिन चुनाव के संबंध में ये कहना गारंटी के साथ ये ऐसा होगा ही, ये हम उसको नहीं मानते जी। क्योंकि ये चुनाव ऐसा एक तिकड़म है जो कि हर क्षण बदलता है। पीएम प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और ये सब चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो है कि ये भी एक नया काम उन्होंने किया है। 15 नवंबर को मोदी जी ने घोषणा किया कि ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए,
आज तक तो किसी इतना साल हो गया किसी दल ने नहीं किया जी। तो एक तरह से ये आदिवासियों के लिए बहुत महत्व बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है। कड़िया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़े ही तार्किक तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा और ये भी समझाया कि आखिर देश की जनता कैसे सोच रही है, क्या सोच रही है और आने वाले चुनाव में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है। तो इंतजार रहेगा हमें भी इस बात का कि क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। इस बार 23 पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है, अब तक चीजें तय नहीं हो पा रही सीटों का बंटवारा। ये सीट हमें विश्वास से भरोसा है ये सीट कांग्रेस को ही मिलेगा। दोनों गठबंधन में जनता का रुझान क्या दी? कुटी लोकसभा में कांग्रेस पक्ष में है लोग। ये लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला कर पाएगी? हाईकमान से, मेरा हाईकमान है ना, उनसे पूछिए, प्रदेश के जो लोग हैं उन लोग से पूछिए। स्थानीय नीति और 1932 खतियान का मुद्दा, स्थानीय नीति बनना चाहिए, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। चौबीस के चौसर की बिसात सच चुकी है, सभी पार्टियां अपने अपने संभावित लोकसभा सीट पर तैयारियां शुरू कर चुकी हैं, जो संभावित कैंडिडेट हैं उनकी भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सबके पास अपने अपने मुद्दे हैं जिसके साथ वो जनता के बीच आ रहे हैं। इन मुद्दों के बीच में जनता की पसंद कौन बनती है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उसकी तैयारियों में सभी जुटे हुए हैं। इस वक्त हम खूंटी लोकसभा सीट में मौजूद हैं और यहाँ के जो संभावित उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे हैं दो बार लोकसभा चुनाव में और विधायक भी इस सीट से रह चुके हैं, कालीचरण मुंडा जी के पास हम हैं। बहुत बहुत स्वागत है कालीचरण जी, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस 24 के चौसर की किस तरह तैयारी कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं, किस सीट इन्हें मिलेगी। देखिए विशेषकर खूंटी लोकसभा, यहाँ 75% आदिवासी मतदाता है और आदिवासी मतदाता लोग को झुकाव है कांग्रेस की ओर, इंडिया की ओर, इंडिया गठबंधन की ओर। और अखीर बार हमें लगता है यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जीतेंगे खूंटी लोकसभा से। लेकिन एक बड़ा मसला ये हो गया ना, पार्टी के स्तर पर होता था तो सीटों का बंटवारा पार्टी अपने हिसाब से कर लेती थी, इस बार 23 पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है, अब तक चीजें तय नहीं हो पा रही सीटों का बंटवारा, तो ये कांग्रेस कैसे कॉन्फिडेंट रहे कि ये सीट उसी को मिलेगी? ये सीट हमें विश्वास से भरोसा है ये सीट कांग्रेस को ही मिलेगा, काहे कि ये सीट में कांग्रेस का अपना संगठन है, कांग्रेस के सपोर्टर लोग बहुत ज़्यादा हैं इस सीट में, इसलिए हमको विश्वास है कि यह सीट कांग्रेस को ही मिलेगी। और इंडिया बनाम एनडीए, इस बात की चर्चा सभी जगह हो रही है, दोनों गठबंधन में जनता का रुझान क्या दिख रहा है? जनप्रतिनिधि आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, क्या लग रहा है रुझान? खूंटी लोकसभा में कांग्रेस पक्ष में हैं लोग, यहाँ आदिवासी हो चाहे सदियों से यहाँ बसे हैं सदान लोग, उन लोग का सोच कांग्रेस के प्रति अच्छा है। लेकिन एनडीए के शासन में यहाँ सांसद अर्जुन मुंडा जी हैं और देखिए उन्हें मिनिस्ट्री मिला है, ऐसा विभाग मिला है, आदिवासी लोकसभा सीट है ये, आदिवासी जनजातीय मामलों के वो मंत्री भी बने हैं, तो ऐसे में एनडीए भी कोशिश ये कर रही है कि इस सीट से जो कैंडिडेट है, जिसका वोट लेके वो कैंडिडेट बना है उसी डिपार्टमेंट को दिया गया है, तो कैसे यहाँ पर इंडिया या फिर कांग्रेस अपने आप को मजबूती से खड़ा करेगी? यहाँ मजबूती है कांग्रेस का संगठन है और देख लीजिएगा, और आदिवासी लोग का सोच, विशेषकर लोग भयभीत हैं आदिवासी लोग, मणिपुर वाला जो घटना घटा है ना उसको लेके, और यहाँ पर सब एक मुसूत एक मुसूत सब लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। तो यानी इस बार टफ फाइट रहेगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच? टफ फाइट तो 19 में भी था, समझे ना, लेकिन आपकी जीत निश्चित है कांग्रेस की यहाँ से।
तो ऐसा इतना कॉन्फिडेंस क्यों लग रहा है कि कांग्रेस की जीत ही निश्चित है, जबकि यहाँ से मौजूदा सांसद जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं और लगातार अभी खूंटी के लिए कई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहे, आदिवासियों के लिए कई प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ ना, हर जगह घूम रहा हूँ, क्षेत्र में गांव देहात टाउन सब में घूम रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जिससे लगता है कि यहाँ कांग्रेस के पक्ष में लोग वोट करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, हालांकि चुनाव लोकसभा का होना है लेकिन फिर भी स्थानीय बहुत मुद्दे हैं। खूंटी नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, बहुत हद तक अब नक्सल यहां से ख़त्म हुआ है, नक्सलियों को हटाया गया है, उसके बावजूद भी जिस तरह विकास होना चाहिए ज़िला बनने के बाद, वो लगता है कि खूंटी का विकास उस तरह से हुआ है? सांसद अगर चुने जाते हैं जो भी वहाँ, उनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देखिए, यहाँ के लोगों के लिए उनको काम करना चाहिए। अब भारत सरकार में आदिवासी मंत्रालय के मंत्री हैं, एक भी हमको दिखा दे उसके मंत्रालय से यहाँ कोई काम हुआ है, एक भी हमको दिखा दे, बता दे कि उनके मंत्रालय से कोई काम हुआ है। लोग जान रहे हैं, जाग गए हैं लोग, कौन क्या कर रहा क्या नहीं। तो जिम्मेदारी भी है उनके पर, लेकिन क्या यहाँ पर जन प्रतिनिधि के तौर पर आकर लोगों के बीच रहते हैं? वो कभी खूंटी में उसका प्रवास रहा है, कभी सिमडेगा में रहा है, कहीं कोई ब्लॉक में रहा है उसका, रांची और दिल्ली करने से नहीं ना होगा, जनता के बीच में रहना होगा। तो इसका फायदा मिलेगा, लेकिन कालीचरण जी, अब इंडिया गठबंधन के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, मनमुटाव, कभी केजरीवाल नाराज़ तो कभी ममता बनर्जी नाराज़, अभी हाल के दिनों में नीतीश कुमार का बयान भी आपने देखा होगा, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं है, कुछ इस तरह के बयान भी सामने आए हैं, तो ऐसे में कितनी मजबूती से इंडिया गठबंधन जो नया बना है ये लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला कर पाएगी? ये सब हमसे मत पूछे, वो सब हाईकमान से पूछे। हाईकमान से, मेरा हाईकमान है ना, उनसे पूछिए, प्रदेश के जो लोग हैं उन लोग से पूछिए। गठबंधन हम लोग का ठीक ठाक रहेगा, ठीक ठाक रहेगा देश हित में। तो गठबंधन के साथ ही ये चुनाव लड़ा जाएगा इस बार लोकसभा का? गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये उम्मीद है आपको कि इस बार टिकट आपको ही मिलेगा? देखिए, हम लोग तो कांग्रेस का वर्कर है, कांग्रेस के लिए काम करते हैं। टिकट मिलेगा हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो पार्टी का वर्क करेंगे, काम करेंगे हम लोग। और कोई ऐसे मुद्दे हैं जो आप जिन्हें लेकर जनता के बीच जाना चाहेंगे खूंटी के लिए? बहुत सा मुद्दा है, जल जगल जमीन को सुरक्षित रखना है, यहाँ का सीएनटी एक्ट को सुरक्षित रखना है। इन लोग तो सीएनटी एक्ट पर भी चढ़ाई किया था, उसको भी संशोधन करके कमजोर करने का काम कर रहे थे बीजेपी के लोग, ये बात को सबको जानकारी है, यहाँ के आदिवासियों को, उसके खिलाफ यहाँ आंदोलन भी हुआ, गोली भी चला, सबको याद है, सबको जानकारी है। ये सब लेके हम लोग का संगठन मजबूत हुआ है और कांग्रेस के पक्ष में लोग वोट करेंगे। चलिए, एक ज्वलंत मुद्दा और है यहाँ, स्थानीय नीति और 1932 खतियान का मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? स्थानीय नीति बनना चाहिए, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, स्थानीय नीति बनना चाहिए, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। और 1932 खतियान के बारे में? 1932 का खतियान होना चाहिए। आप भी मानते हैं कि उसी आधार पर होना चाहिए? मानता हूँ उसी आधार पर होना चाहिए। तो फिर दिक्कतें क्या है लागू करने में? सरकार भी बोलती है कि हम इसके साथ हैं, करना चाहिए, फिर आंदोलन होता है, फिर उसमें खामियां निकलती हैं, बीजेपी कहती है कि उसे भी एतराज नहीं, लेकिन जानबूझकर सरकार लटका रही है। सरकार लटका रही है कि क्या करे, सरकार तो बना के भेजा था, फिर हाईकोर्ट से फिर उसका स्टे हुआ, नहीं तो सरकार तो बना के भेजा था झारखंड सरकार। तो 1932 खतियान लागू होना चाहिए, स्थानीय नीति होनी चाहिए झारखंड की, जो मुद्दे हैं ज्वलंत मुद्दे, खूंटी का विकास, ये सारे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर जनप्रतिनिधि अब जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि वक्त बहुत है कालीचरण जी, और इसकी तैयारियां क्या शुरू कर दी गई हैं पार्टी स्तर से भी? देखिए, पार्टी स्तर से हम लोग
नए सिरे से पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक अपना वर्कर तैयार किए हैं, फौज तैयार किए हैं पंचायत स्तर बूथ स्तर तक। इसलिए हम लोग को कोई कमजोरी नहीं है, फिर हम लोग पूरे मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की जीत होगी खूंटी लोकसभा से। चलिए, तो कांग्रेस की तरफ से तैयारी है पूरी, लेकिन बीजेपी या एनडीए कहें, अभी देखिए राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला को बनाया गया है, दलित को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है राष्ट्रपति के तौर पर, या फिर जितने जगहों पर अब आप देखें कोशिश ये हो रही है एनडीए की कि आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री भी खुद खूंटी आ रहे हैं बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर, तो आदिवासियों को फोकस किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है एनडीए की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी, कि वो एक मुद्दा बने और एक बड़ा वोट बैंक बने। इस बीच में आप कहते हैं कि नेचुरल आपके साथ वोटर्स हैं, जो आदिवासी वोटर्स हैं वो नेचुरल कांग्रेस के साथ है, लेकिन नहीं लगता कि इस कंडीशन में बहुत टफ फाइट होगी? देखिए, आपको मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ कि यहाँ के लोग जाग गए हैं, नहीं समझे, आप समझ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आए, कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कोई योजना को शुभारंभ करने के लिए ना, कोई योजना को शुभारंभ करने के लिए आए हैं तो आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस की जमीन पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ संभावित प्रत्याशी, हम कह सकते हैं कांग्रेस के कालीचरण मुंडा जी, जो अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, कांग्रेस की जीत के लिए आश्वस्त है और कहा कि कोई भी आए, किसी का भी दौरा हो, लेकिन खूंटी में जीत कांग्रेस की होगी, इंडिया गठबंधन की होगी। बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस 24 के 64 का विजेता कौन बनता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।